कटारिया ने पत्र लिखा है, मुख्य सचिव को यह पत्र लिखा गया है और अविलंब जांच और कार्रवाई के लिए यह लेटर लिखा गया है। राजूवास यूनिवर्सिटी बीकानेर में गड़बड़ियों का मामला इस पत्र के जरिए उठाया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को सीटें आवंटित की हैं, कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व की हैं और राज्य सरकार की बगैर एनओसी के अपनी मनमर्जी से इन सीटों को आवंटित कर दिया गया और जारी कर दिया गया। काउंसलिंग के जरिए सीट आवंटन की जाती है और कुछ सीटें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। इस आधार पर कॉलेजेस में कोर्स की फीस भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि सीटें बढ़ी तो फीस बढ़ गई। इस बड़ी गड़बड़ी पर मंत्री लालचंद कटारिया ने एक लेटर लिखा है, राजूवास के समन्वयक को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की बात लिखी है, साथ ही कुलपति डॉक्टर एस के गर्ग पर जांच करके कार्रवाई के लिए भी मांग की गई है। हालांकि मंत्री के 23 नवंबर के पत्र के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ गए, सीधे काशीराम चौधरी का रुख कर लेते हैं। काशीराम, 23 नवंबर के पत्र के बाद अब तक कोई एक्शन नहीं, कारण क्या हो सकता है? चुनाव में सब व्यस्त है क्या इस वजह से? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि चुनाव है और ऐसे में हर बात के लिए निर्वाचन विभाग की अनुमति लेनी होती है। तो ये जो लेटर है, कृषि एवं पशुपालन मंत्री हैं लालचंद कटारिया, उन्होंने लिखा है। कटारिया ने इस बार चुनाव भी नहीं लड़ा है और एक तरह से कहेंगे राजनीति से ये कह दिया कि वो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनका अंतिम लेटर है ये, एक तरह से कहेंगे प्रशासनिक सख्त लेटर है जिसमें उन्होंने कार्रवाई के लिए लिखा और उनका बात वाजिब भी है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तरह की गड़बड़ियां चल रही है। राजूवास यूनिवर्सिटी है बीकानेर में, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, उसकी जो गड़बड़ियां हैं उनको लेकर के लेटर लिखा गया है कि ये जो विश्वविद्यालय है बगैर राज्य सरकार की अनुमति के ही बिना एनओसी लिए राज्य सरकार की और नए कॉलेजों को सीट आवंटित कर रहा है, सीटें उनकी बढ़ा रहा है, फीस बढ़ाने की अनुमति दे रहा है। जो काम राज्य सरकार का है वो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर कर रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है और उसी को लेकर मंत्री ने यह सख्ती दिखाई है कि इस मामले में जो कुलपति है डॉक्टर एस के गर्ग, उनके खिलाफ जांच की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जांच के बाद, और जो इसके समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर जो है विश्वविद्यालय के, उनको तो तुरंत पवार से निलंबित करने के लिए उन्होंने लेटर लिखा है। ठीक है, तो मुख्य सचिव को यह लेटर लिखा गया है 23 नवंबर को, लेकिन अभी तक इस लेटर लिखने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की जा सकी है। किस स्तर पर ये मामला अटका हुआ है ये थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि मुख्य सचिव द्वारा ये लेटर आगे शायद निर्वाचन विभाग को अनुमति के लिए फॉरवर्ड किया गया होगा और वहां से अगर अनुमति नहीं मिल सकी है तो इसी वजह से संभावतया कार्रवाई नहीं हो सकी है। तो पहले तो ये देखना होगा कि आचार संहिता कब खत्म होती है और दूसरा ये कि फिर चुनाव के बाद सरकार किसकी बनती है। इन दोनों ही फैक्टर्स पर निर्भर करेगा कि आगे कार्रवाई होती है या नहीं होती है। शुक्रिया काशीराम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी के प्रत्याशियों से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया है और आज रात एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अशोक गहलोत तमाम पार्टी प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। प्रत्याशियों से कल की तैयारियों पर भी आज रात को चर्चा कर सकते हैं और जैसे ही किसी की जीत का सर्टिफिकेट उनके हाथ लगता है उसके बाद जयपुर आने के निर्देश आज शाम को दिए जाएंगे। मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए हैं, सीधे शशि मोहन का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही सीधे जयपुर आने के निर्देश हैं, यानी कि बाड़ेबंदी की केवल चर्चाएं चल रही थी, अब मुहर भी लग रही है। देखिए हार्दिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 3 दिनों से लगातार पार्टी के प्रत्याशियों से बातचीत की है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी ऐसे हैं जिनकी जीत की संभावना है, वो भी मुख्यमंत्री के संपर्क में बताए जा रहे हैं जी। हालांकि आज रात को 9 बजे एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। कल काउंटिंग में क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या अलर्टनेस रखनी है, इस पर निर्देश दिए जाएंगे और जीत के साथ ही सर्टिफिकेट लेकर जयपुर रवानगी के निर्देश दिए जाएंगे, पार्टी के विधायकों को एकजुट रखा जा सके। हालांकि जहां तक बाड़ेबंदी की बात है तो ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को बाड़ेबंदी करने की अभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि निर्दलीय और अन्य दलों के लोग कितने जीत करके आते हैं। देखिए, विधानसभा और लोकसभा की जो स्थितियां हैं वहां पर सदस्यों पर दल बदल रोधी कानून लागू होता है। ऐसे में कोई भी सदस्य अगर अपनी पार्टी बदलता है, कोई भी जीता हुआ कांग्रेस का जीता हुआ विधायक अगर अपनी पार्टी बदलेगा या किसी के खिलाफ अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करेगा तो उसकी सदस्यता जाने का खतरा रहता है और वो ऐसा नहीं चाहेगा। इसलिए पार्टी के प्रत्याशियों की या पार्टी के विधायकों की बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है। निर्दलियों को संपर्क में रखने और उनके साथ पार्टी के कुछ नेताओं को लगाने की रणनीति बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से और इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन आपका इस जानकारी।